तो चलिए दोस्तों, लगाते हैं आज कैमरा, देखते हैं कैसे लगाना है। पूरा मैं आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा और उस पर इंस्टॉलेशन पूरा उसका दिखाता हूँ। ये वाला स्ट्रो हैट कैमरा हम लगाने जा रहे हैं। अब वैसे मेरी गाड़ी में ऑलरेडी दो कैमरे लगे हुए हैं। नंबर एक ये HD कैमरा विद सेंसर फैसिलिटी है, और 8 LED नॉर्मल कैमरा जो गोल आता है, ये सबसे पहले लगाया था मैंने। तो इस कैमरे की आपको मैंने बताया भी था पहले, इसके साथ में प्रॉब्लम ये है कि इसका जो कवरेज है वो पीछे दूर तक दिखाता है, लेकिन नीचे नज़दीक कार के पास नहीं दिखा पाता ये। तो इस कैमरे का जो विज़न है वो बिल्कुल नज़दीक है, सही से दिखाता है। और इसका हम देखते हैं, ये कैमरा स्पेशली क्विड के लिए मंगाया गया है। आई थिंक इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहने वाला है। तो इसे लगाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे तैयारी करके रखा है, ये बिट से हम होल सॉ से एक यहाँ पे जो नीचे ये लाइट लगी हुई है, ये वाली नंबर प्लेट के ऊपर लाइट है, इसके यहाँ पे पास में हम एक होल कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक होल कर लिया है इसकी। इस तरीके से हमें ये हम इसमें डाल लेंगे। ठीक है, और अभी इसको बाद में हम इंसर्ट करेंगे पूरा। अभी हम इसको वायरिंग हो जाने दें, उसके बाद में इंसर्ट करते हैं। और पीछे ये इसकी वायरिंग लटक गई क्या आके, आगे से वायरिंग लेके आते हैं तब तक। ज़रूरत रहेगी हमें कैमरा कॉम्बो की, जो हमारी वेबसाइट पे आपको आसानी से उपलब्ध है ही। उसमें ये जो वायर है इसका नाम है रियर गियर एंगेज वायर, ये कॉम्बो में ऑलरेडी मिलता ही है। ये 24 पिन मेल फीमेल कनेक्टर हो गया। इसके बाद में हमारे पास में ये कैमरा के लिए पावर सप्लाई केबल हो गया, और ये RCA केबल हो गया। इस RCA केबल्स के थ्रू हम पीछे से सिग्नल कैमरा के जो है वो आगे रेडियो तक, डिस्प्ले तक सिग्नल पहुंचाने का काम करेगा ये वायर। तो वायरिंग हमारे पास कंप्लीट है, इसे रख देते हैं यहाँ पे। और खोलते हैं अपना रेडियो, जो कि ये जो इसका फेस है इसे हम ज़ोर से नीचे की साइड से पहले बाहर निकालेंगे। ये ज़ोर की आवाज़ करता है लेकिन टूटेगा नहीं, बहुत मज़बूत होता है। तो फिर ऊपर की साइड से, और ये पूरा का पूरा फेस ही है जो है ये डिटैचेबल है, इसे आप आराम से निकाल लेंगे। उसके बाद ये चार पेंच हैं, इन्हें खोलना है। इसके लिए आप देखेंगे T20 नाम से इसका साइज़ है, स्टार टाइप
ये स्क्रू ड्राइवर है, इसको हम अरेंज कर लेंगे और उससे हम इसे खोल लेंगे। ये यहाँ पे मैंने खोल लिया है, ठीक है। इसे खोलने के बाद मैं इसको अलग करके दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे इसका ऑडियो वाला सॉकेट प्लस पावर सप्लाई सॉकेट है, और ये वाला जो है 24 पिन मेल फीमेल, इसमें भी सप्लाई और अदर डाटा इनपुट आउटपुट है। तो ये यहाँ से दबाने से आराम से बाहर निकल जाएगा। हमें अब क्या करना है, हमें यहाँ अब ज़रूरत पड़ेगी 24 पिन मेल फीमेल जो हमारे पास है उसे हम रेडियो में एक तरफ से ऐसे लगा देंगे, और इसका जो पीछे वाला साइड है उसमें हम कार की तरफ से आने वाला वायर सॉकेट का इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास में दो इंटरफेस बचे हैं, नंबर एक RCM फीमेल और एक ये रेड वायर। ये रेड वायर पीछे जाएगा टेल लैंप में, टेल लैंप जो रियर गियर डालने के बाद में जो टेल लैंप चलता है उस टेल लैंप पे जाके ये कनेक्ट करना है। तो ये कहाँ जुड़ेगा, अभी इसे हम जोड़ेंगे हमारे पास में रियर गियर एंगेज वायर है उसमें ये जो वायर का फीमेल है, फीमेल सॉकेट, ये मेल सॉकेट इसमें लग जाएगा। और यहाँ एक टेप कर देंगे हम। ये RCA केबल है। इस RCA केबल में कई लोग सवाल पूछते हैं कि एक वायर और है, ये देखिए ये एक वायर इसमें निकला होता है, कई बार निकला होता है कई बार नहीं होता। तो ये भी रियर गियर एंगेज वायर के लिए लगाया जाता है, तो हम इसे रियर गियर एंगेज वायर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि पीछे इसमें फिर हमें नीचे से ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो इसकी हमें ये हम ऐसे ही छोड़ देंगे इसको अभी, ठीक है। जो हमें अपने साथ में रियर गियर एंगेज वायर मिला है उसमें सॉकेट भी लगा हुआ है, उसे कट करने की ज़रूरत नहीं है, और उसको कवर्ड भी है अच्छे तरीके से। एक बार को टेप भी नहीं लगाओगे तो वो अच्छे से चल जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ये दोनों जो वायर हैं इसमें इनको काट देता हूँ, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। और मैं इसे एक तरफ से रेडियो में फिक्स कर देता हूँ। अब हमारे पास में ये दो लेंथ बच गई हैं, इन दोनों एंड्स को हमें पीछे ले जा लेके जाना है। अब यहीं से सब लोग पूछते थे कि भाई ये कहाँ से लेके जाना है, आपने बताया नहीं, इसलिए मुझे वीडियो दोबारा से बनाना पड़ रहा है। आज अच्छे से सारी डिटेल्ड वायरिंग आपको बताऊँगा। इन दोनों को यहाँ पे हम टेप कर लेते हैं, आपस में दोनों को बांध लेते हैं। और यहाँ पे इसे थोड़ा सा मतलब बचा के रखें ज़्यादा, ताकि खींचे ना। बाकी वायरिंग को हम इकट्ठी करके यहां से कैसे भी करके नीचे निकालेंगे।
दूर से दिखा रहा है यहाँ। ठीक है, ये जहाँ से ये वायरिंग निकली है तो ये इधर गई है, हमें इधर ले जानी है। अभी नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, इसे हटा लेंगे क्योंकि यहाँ से हमें मदद मिलेगी हाथ अंदर डालने में। तो इसे निकालने के लिए इधर से साइड से थोड़ा जोर से दबाएंगे और उधर से भी, दोनों साइड से हम अंदर को खींच के और इसे उठा लेंगे तो ये बाहर निकल जाता है। इसे पीछे रख दूँ और यहाँ देखो आपकी वायरिंग कहाँ पे है। ठीक है, अभी मेरा वायरिंग जो है यहाँ से निकल गया है तो मैं फॉर सेफ्टी यहाँ पे भी इसमें एक टेप लगा देता हूँ ताकि ज़्यादा ना खींचे उधर, फिर बाद में मेरे को दिक्कत ना हो। इसमें मुझे कम से कम आधा फीट यहाँ पे रखना ही रखना है। मैंने आधा फीट यहाँ साइड में खींच के और इसको टेप कर दिया है इन सभी साथ तारों के साथ में। यहाँ का अब मेरा काम खत्म। इसे मैं इसे अंदर रखे, अब हम इसे पीछे ले जाएंगे। देख रहे हैं आप, हमने यहाँ से से टेप से बांध देंगे ऊपर कहीं भी, सो दैट ये इधर कोने में यहाँ तक आ जाए। यहाँ से अब हम ये जो हमारा मैट है इसके नीचे से लेके जाएंगे। कंपनी की सारी जितनी भी वायरिंग है वो यहीं से ही जाती है, तो उसके लिए हम देखेंगे ये जो एक जॉइंट होता है यहाँ पे, इस जॉइंट को जोर से खींचेंगे थोड़ा, तो इसको खींचने के बाद ये अलग हट जाएगा ऐसे ही यहाँ से। को हटाने के बाद अब ये थोड़ा सा इसको साइड में करने से ये चिपका होता है हल्का सा यहाँ पे, तो ऐसी टेप होती है जो बार बार चिपकती है, तो इसको हम हटा लेंगे। हटाने के बाद ये देखिए पहले से यहाँ पे वायरिंग मौजूद है जो कंपनी ने पीछे टेल लैंप और अदर एक्सेसरीज के लिए भेजी हुई है। इसी के साथ साथ में हमारी भी वायरिंग जाने वाली है। वापस से हमें ये ऐसे यहाँ से पीछे वाला ये हटा लेंगे और यहाँ से जो हम इसके नीचे से इसको आराम से निकाल देंगे।
ये आपको बैक सीट निकाल लेनी है। हमारी जो वायरिंग है वो कर उसको। अच्छा, हमें ये जो ये वाला प्लास्टिक का है कवर, इसको थोड़ा खींचेंगे तो ये खुल जाएगा ऐसे। ये वायरिंग यहाँ ऑलरेडी वायरिंग है, इस वायरिंग के सहारे एक टेप लगी हुई है बड़ी सी, है इस टेप के नीचे से इसे भी हम ले लेंगे और वापस से टेप लगा देंगे। देख रहे हैं आप, ये पहले से गाड़ी की वायरिंग है और उसके साथ साथ हमारी वायरिंग यहाँ पे आ गई है। ये टेप मैंने हटाई थी और इसके नीचे ही अपनी वायरिंग लगा के वापस से टेप इसकी लगा दी। तो यहाँ तक बहुत आसानी से हमारी वायरिंग आ चुकी है, अब इसे वापस हम बाद में लगा लेंगे। अभी आगे पीछे चलते हैं कार के। ये कार की पहले से आई हुई वायरिंग है, इसी के साथ साथ हम लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे इसको हम टेप कर देंगे सो दैट ये अलग बुरी चीज ना लगे लटकी हुई। ठीक है, मैं इसे यहाँ पे इसके साथ टेपिंग कर देता। अब ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ से ये कार वाली ओरिजिनल वायरिंग भी अंदर गई है और यहाँ तक हमारी भी आ गई है। तो अब हम पीछे की टेल लैंप इसको खोलेंगे और यहीं से इसको निकाल के आगे तक पहुँचाएंगे। टेल लैंप को खोलने के लिए जस्ट ये दोनों बोल्ट हमें खोलने हैं। ये दोनों बोल्ट मैंने खोल लिए हैं। अब इसको खोलने के लिए आपको थोड़ा सा पावर यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा बल पूर्वक ये खुलेगा, लेकिन वो बल गलत दिशा में ना लगे। इसको यहाँ से हमें यहाँ से पकड़ के, मतलब इसमें ज़ोर से हाथ मारना है, इस साइड में, बैक साइड में, पीछे साइड में, तभी ये खुलेगा। अभी मैं इसको देखता ये हमारी लाइट खुल गई है। इसमें इस तरह का यहाँ पे ये एक होल्डर बना हुआ है और ये यहाँ पे एक लॉक लगा हुआ है। इस लॉक में ये होल्डर फिट होता है, लगाते वक्त हमको ध्यान रखना है। ये और एक ये इसके हेल्पर हैं जो कि इसमें अंदर जाके इसको होल्ड करने का काम करते हैं। फिर बाद में ये दो पेंच लग जाते हैं तो ये हमारी रुक जाती है। अब सिंपली हमें क्या करना है कि ये जो रबर का एक इसे जोर से बाहर हम खींच लेंगे। ठीक है, देख रहे हैं आप, ये निकल गया और ये जस्ट यहीं से ही आया हुआ है, ये देखिए। ठीक है, तो ये हमने बाहर निकाल लिया, तो ये यहाँ पे पूरा आप देखेंगे मेल फीमेल जॉइंट है,
जो कि टेल लैंप्स के लिए है। इसी के साथ अब हम अपनी वायरिंग को निकाल लेंगे बाहर। तो ये भी मैंने अपनी दोनों वायरिंग जो आगे से आई हुई के साथ में लगा लिया। रितु अभी क्या करना है हमें कि ये जो हमारा RCA केबल है और इसके साथ में आप देख रहे हैं कि जो रियर गियर एंगेज वायर है, रियर गियर एंगेज वायर का जो ये वाला सिरा है इसमें आप देखोगे एक पिन लगी हुई है, तो वो पिन तो हमें इस एंटर करनी है यहाँ पे। यहाँ पे ऐसे ठीक है, ये बीच में रेड वायर है और इस रेड वायर के ठीक दूसरी तरफ ग्रीन वायर जुड़ा हुआ है पतला सा इससे, तो ये इसमें हमें जोड़ देना है। और जो दूसरा हिस्सा इस रियर गियर एंगल वायर का ऐसे बचता है ये वाला, ये नीचे कैमरे के लिए चला जाएगा। कैमरा 12 वोल्ट प्लस का जो हम देंगे वो इसी से देंगे, तो इसमें अगर हम कैमरे का जोड़ देंगे। ये मैंने इसमें ये जो कैमरे का सॉकेट है, कैमरे सप्लाई के लिए केबल है, ये मैंने इसमें ये मैंने जोड़ दिया है इसमें। तो इसमें आप देख रहे हैं दो वायर निकले हुए हैं, एक पूरा रेड है ये वाला, तो मैंने इस रियर गियर एंगेज वायर के साथ से जो दूसरा तार था उसमें इसको जोड़ दिया। अब दूसरा बचता है रेड प्लस ब्लैक, ये अर्थिंग का वायर है, तो इसे हम कहीं भी कार में अर्थ अपनी किसी भी बॉडी पूरी बॉडी में कहीं भी पेंच पे या कहीं किसी बोल्ट के थ्रू बांध सकते हैं कहीं भी, या इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कहीं लगाएं, क्योंकि अर्थ हमारा कैमरे से मिल जाएगा, कैमरे का जो RC है वहाँ से अर्थ ले लेगा कैमरा। तो इसे हम ऐसे ही अभी यहाँ पे टेप कर देते हैं, कहीं नहीं जोड़ेंगे। अभी हमारे पास जो काम बचा है बस वो बचा है कि ये दोनों सॉकेट को यहाँ से नीचे निकालेंगे। यहाँ पे आप देखोगे बहुत ध्यान से, नीचे एक रास्ता है, उस रास्ते से होते हुए ये आपको नीचे मिलेंगे दोनों, तो वहाँ इसका सीधा सिंपल सा एक तरीका हो रहा है, ये यहाँ पे जो एक बोल्ट है इसको थोड़ा ढीला कर लो आप, पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं है, और इसे थोड़ा अपनी तरफ खींचें, खींचते ही यहाँ पे थोड़ी जगह हो जाएगी और इस जगह की इस जगह से ही आपको नीचे ये दोनों प्लग भेजने में आसानी रहेगी। तो ये मेरे प्लग नीचे आ चुका है, तो ये आ गया है, दूसरा भी मैं ला, तो अभी ये दोनों मेरे यहाँ से मैंने प्लग निकाल लिए हैं और ये यहाँ पे नीचे इधर से आके लटक गए इधर, ठीक है। तो यहाँ तक आ गए हम, इसमें ये हमने पावर और ये वीडियो सिग्नल इन दोनों को लगा दिया। यहाँ पे अलग अलग पहले टेप कर देंगे अच्छे से ताकि इनमें पानी ना घुसे, पानी की बहुत समस्या होती है, सारी वायरिंग ही पानी की वजह से ख़राब हो जाती है कई बार, सर्किट शॉर्ट भी हो जाता है, तो यहाँ अच्छे से आप टेप ज़रूर करें, अलग अलग करें पहले दोनों को टेप, उसके बाद फिर इकट्ठा करके भी करें। ये अच्छे से टेप हो गया है, ठीक है। अभी हम इसको ऐसे करके और टेप करेंगे सो दैट इस पर डायरेक्ट खिंचाव ना बने। तो ये हो गया है हमारा, तो अभी हमारा जो है ये कैमरा लग करके लगभग तैयार है, ठीक है दोस्तों।
एक बार ऐसे ही हम इसको चेक कर लेते हैं आगे जा करके कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये हमने अभी ऑन कर लिया है और चेक करते हैं कि हमारा कैमरा सही से काम कर रहा है या नहीं। मैं ये लीजिए, कैमरा 100% सही तरीके से और सही एंगल पे भी काम कर रहा है। नीचे देखिए, नीचे का फोकस ज़्यादा दिखा रहा है, जो कि ज़रूरत भी थी। नीचे हमारी वो कोने में ड्रिल मशीन रखी हुई है, दिख रही है ज़मीन में, वो नज़दीक में ही, मतलब ज़मीन के नज़दीक ही दिखना बहुत ज़रूरी था। पहले जो कैमरा लगा हुआ है वो पीछे गेट दिखाता है, तो मुझे लगता है कि कैमरा 100% नंबरों से पास हो गया है और आप लोगों को भी ये ज़रूर पसंद आएगा। ये हमारा कैमरा यहाँ पे, तो ये अब हमारा जो कैमरा है इसको हम सीधा करके इसको ज़ोर से अंदर को प्रेस करेंगे और ये सेट हो जाएगा। कैमरा लग के तैयार है, टेल लैंप को आप बंद कर सकते हैं। अब जो है आप फालतू वायरिंग को ऊपर खींचिए यहाँ पे ऐसे पूरा जितना खींच सकता है और यहाँ पर इसको टेप करके इकट्ठा करके यहाँ पे इसे बांध दीजिए और बाकी पूरी लाइट को वैसे ही बंद कर दीजिए जिस तरीके से हमारी लाइट थी। ठीक है, मैंने ये सारी वायरिंग बांध दी है, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको, ये जो हमने इसमें इंसर्ट किया था ये कई बार अपने आप ढीला होकर निकल जाता है, तो इसमें स्पेशली आपको यहाँ पे टेपिंग करनी है अच्छे से। अभी जो मैं करूँगा और फिर आपको दिखाऊँगा, ये मैंने अच्छे से टेप कर दिया है इस वायरिंग को। अब ये अपने आप तो कम से कम निकलेगी नहीं, और इस तरीके से लगानी है कि ताकि ये स्पार्किंग भी ना करे हर वायरिंग का। अच्छा, इसमें पूरी में हमने ध्यान रखा है कि कहीं से भी ओरिजिनल वायर को कट करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं है। तो अब इसे वापस से अंदर हम डाल करके ये वायरिंग हमारी ऐसे ही रहेगी इसमें लगी हुई, और इसको इसी के ऊपर से हमें इसको वापस से लगा देना है, बस ऐसे करना है। ये लीजिए जनाब, आपके कैमरे की कंप्लीट वायरिंग हो चुकी है। अब हम देखते हैं, ये देखिए बिल्कुल सेट विज़न है, क्लियर विज़न है कैमरे का, HD क्वालिटी है और फोकस देखिए कैमरे का बिल्कुल सही जगह पे दिखा रहा है आपको। गाइडलाइंस भी सही दिख रही हैं और रोड दिख रही है, कितना बेहतरीन विज़न है। थैंक यू वेरी मच, आप लोग इतने पैसे में ये फैसिलिटी शायद इंडिया में तो नहीं मिल पाएगी आपको दूसरी जगह। और अभी मैं दूसरा दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से स्पीकर की वायरिंग को फिट करना है, जेन्युइन तरीके से करते हैं, तो चलिए उसे भी करते हैं।